यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक हो जाए फिर से आप सभी लोग का हमारे गेमिंग चैनल पर गाइस। और आज के इस वाली वीडियो में गाइस हम लोग करने वाले हैं डॉज वर्सेस फ्यूचर टेक्नो। अब ये दोनों कैरेक्टर जो गाइस इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ गाइस, ये दोनों कैरेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बैटल स्टार गेम के अंदर। और डॉज कैरेक्टर बात किया है तो ये है एक आइकॉनिक कैरेक्टर गाइस, और इसको मतलब कि लॉन्च किया गया था सीजन 3 के अंदर। और अब बात करते हैं फ्यूचर टेक्नो, तो फ्यूचर टेक्नो एक लेजेंडरी हीरो है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और फ्यूचर टेक्नो को मतलब लॉन्च किया गया था दिवाली अपडेट के अंदर, यानी कि दिवाली के टाइम पे जैसे ही अपडेट आया था उस समय इसको हीरो को लॉन्च किया गया था गाइस। काफ़ी अच्छा हीरो दोनों है भाई, और दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन करके देखने वाले हैं भाई कौन सा हीरो जीतता है यहाँ पे। तो फटाफट से स्क्वाड अप करते हैं गाइस। और बाय द वे मैं आप लोग को एक बात तो बताना भूल ही गया गाइस, एक बात मैं एक सेकंड बैक चलता हूँ। और एक और बात गाइस कि आप लोग के प्यार सपोर्ट की वजह से भाई तुम्हारा भाई भी अभी यहाँ पे क्रिएटर क्लब के अंदर शामिल हो चुका है भाई, यानी कि बैटल स्टार का ऑफिशियल क्रिएटर तुम्हारा भाई भी अब बन चुका है। जो कि मैं पहले बोल रहा था कि मेरा ऑफिशियल क्रिएटर मैं नहीं हूँ, बट अब मैं बन चुका हूँ। और मेरा जो कोड है गाइस वो है NS और AS, ठीक है NS AS, ठीक है। और मेरे को अभी तक डिस्कॉर्ड पे रोल नहीं मिला है YT क्रिएटर का, वो इसलिए मेरे को बहुत सारे बंदे को लग रहा है कि मैं ऑफिशियल YT क्रिएटर नहीं हूँ मतलब कि बैटल स्टार का। बट मेरे को रोल जो है भाई 1.5 के सब्सक्राइबर के बाद मिलने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस पे। और यहाँ पे कुछ कुछ बंदों को ये भी लगेगा कि भाई कि ये ग्लिच है, ग्लिच की वजह से मतलब कि बीच में ऐसा हुआ था ना कि ग्लिच हो गया था जिससे सबका कोड कोई भी कोड डालो सपोर्ट ले रहा था, बट ये ग्लिच नहीं है गाइस। आप लोग डाल के देख सकते हो NS AS, आप लोग का कोड हमेशा सपोर्ट लेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को लाइसन ने खुद बोल दिया कि मैंने आपका कोड को अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो थैंक्स टू @StarLaisen ब्रो, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो बहुत ही बहुत थैंक यू गाइस आप लोग को कि मेरे को आप लोग ने ऐसा समझा और ले लिया बैटल स्टार क्रिएटर क्लब में। और मेरी जनता को तो भाई बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ भाई, जितने ही भाई लोग हैं भाई बहुत ज़्यादा थैंक यू भाई, आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और आगे भी यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे। और 1K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी हिट करेंगे गाइस, फटाफट से जाके लाइक कर दो गाइस और चैनल सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं गाइस ज़्यादा नहीं 25 लाइक्स रखते हैं गाइस, क्योंकि गेम प्ले वीडियो में ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाते नहीं हो, बट हाँ 25 लाइक्स का तो एम मैं रख ही सकता हूँ गाइस। जाके फटाफट से 25 लाइक्स का एम पूरा कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि 1K के बहुत ज़्यादा करीब है, हम लोग अब कंप्लीट कर सकते हैं इजीली भाई। 935 हो चुका है गाइस अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स जब मैंने देखा था, हो सकता है बढ़ भी गया हो। तो अभी तो फिलहाल मैच स्टार्ट हो चुका है गाइस, जॉर्ज के साथ मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया। सामने है डॉन, लॉर्डमस, किलशॉट और जेन। भाई जेन को ही अंडरएस्टिमेट नहीं करना भाई, आप लोग जेन का पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अरे एक सेकंड भूतनी रुक जा भाई, बम मारता है बेशरम रुक जा। ये बंदा घेर आ गया, ये बंदा भाई एक किल नहीं मिल रहा यार इस वाले कैरेक्टर से, एक किल नहीं मिलता। अरे मेरा यहाँ पर रिचार्ज हो गया भाई, चलो भाई कितना मुश्किल से एक किल फाइनली मिला। बंदा फंस गया, डॉन फंस गया था गाइस, डॉन फंसा, मेरे को एक किल बहुत ही ज़्यादा मिला गाइस। ये देख सकते हो ये है पावर भाई डॉज का, ये है पावर 6x किल स्ट्रिक। अब यहाँ पे हुआ क्या मैं आप लोग सीन बताता हूँ गाइस। यहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि डॉज कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर इसके आप लोग सुपर वेपन के अंदर आप लोग अगर मरते हो तो आप लोग का कभी काल क्या होता है कि ये 3-4 हर्ट खा लेता है, यानी कि 3-4 जो लाइफ होते हैं ना वो भी आप लोग के एक बार में खा लेता है, जिससे कि आप लोग को एक ही बंदा मरता है पर आप लोग को मिलता कितना 40-50 पॉइंट एक बार में मिल जाता है। ये होता है गाइज डॉज की पावर। अगर आप लोग डॉज के साथ खेल रहे हो और अगर आप लोग ने 2-4 बंदे को एक साथ फंसा दिया, अगर आप लोग के पास इतना स्किल है 2-4 बंदों को आप लोगों ने फंसा लिया भाई, तो यकीन मानो भाई आप लोग कम से कम 50-60 पॉइंट से लीड में अगर पीछे चल रहे हो तो भाई 50-60 पॉइंट से लीड्स में आगे हो जाओगे भाई, इतना अच्छा डॉज कैरेक्टर भाई। और यही सीन सेम टू सेम पापी के साथ भी है गाइज। और अगर आप लोग इस शील्ड पहन के भी अगर इसके सुपर वेपन के अंदर घुसते हो गाइज आप लोग डैमेज पड़ेगा, ये मैं आप लोग बता देता हूँ गाइज, मेरे को जैसा जानकारी है मतलब कि मैं गेम खेलता हूँ तो ये सब चीज़ नोटिस करता हूँ। और डॉज के बारे में जितने मतलब कि फैक्ट्स वगैरह हैं वो सब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग को मतलब कि पता रहे, आप लोग मतलब कि सही सब कुछ पता रहे। भाई रंबल वाला मैप को मैंने लगा दिया और यहाँ पे मैं मैच को स्टार्ट कर देता हूँ गाइज, ठीक है। मैच स्टार्ट हो गया डॉज कैरेक्टर के साथ, भाई रंबल भी खेल लेंगे और उसके बाद फिर बाकी मुंबई और दिल्ली रॉयल ना गाइज उनको मैं नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि वो मेरा ग्लिच कर जाता है, मतलब कि मेरा पावर अप्स नहीं उठा पाता है। अब मेरे साथ पता नहीं ऐसा सीन क्यों होता है भाई, पता नहीं मेरे को, बट हाँ मेरा मतलब कि उठाता ही नहीं है कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर ले लो पावर अप्स नहीं उठाता, इसलिए मैं उस वाले मैप्स को अभी खेल भी नहीं रहा हूँ गाइज और खेल भी नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसके बाद फ्यूचर टेक्नो से दोनों मैप खेल के देखेंगे गाइज और देखने वाले कौन सा पावरफुल होने वाला है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्किल के हिसाब से मैटर करता है जा, रुक जा रुक जा रुक जा, पकौड़े 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 मार दिए, गलत चल गया मेरा भाई, रुक जा। डॉन यहाँ पे बच गया भाई, डॉन यहाँ पे बच गया। अरे यार शील्ड पे इफेक्ट नहीं करता यार, शील्ड पे इफेक्ट नहीं करता यार, मैं भूल गया।
मैं भूल गया था ये शील्ड पे इफेक्ट नहीं करता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ पे मेरे को 22 किल मिल चुके हैं और यहाँ पे मैं जैसे ही बंदा आया गाइस वैसे ही मारने वाला हूँ। ये एक सन भाई बंदा फंसा, बंदा 3 के 3 बंदे फंसे, बट यार निकल गए यार, शिट मैन 3 के 3 बंदे को मैंने फंसा लिया था गाइस। बस मेरे को थोड़ा सा एक और मार देता ना गाइस, मैं यहाँ पे बहुत सारे किल्स निकाल लेता, जैसे कि पिछले मैच में मैंने निकाला था किल्स, ठीक है। अभी तो फिलहाल भाई चलते हैं यहाँ पे, यार क्या हो गया सीन में, अभी मेरे किल भाई निकल गए, 3 से 4 किल मेरे हाथ पे चढ़ गए थे अभी, बट यहाँ पे मेरे एक सर्कल से जैसे ही निकल गया तो फिर मिस हो गया। रुक जाओ, एक किल नहीं मिला यार। लॉडमस और रैंगो से किल चुराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो इस वाले मैच में गाइज हम लोग ज़्यादा अच्छा गेम प्ले तो मैंने किया था गाइज अच्छा, बट यहाँ पे मेरा किल भी बहुत ज़्यादा चोरी हुआ, तो यहाँ पे मेरे को 2 किल मिला है और पिछले मैच में 6 किल किया था मैंने, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल गाइज फटाफट से चलते हैं यहाँ पे होम पे और फ्यूचर टेक्नो को अप्लाई कर लेते हैं गाइज, और फ्यूचर टेक्नो से ही गेम प्ले करके देखते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेक्नो मेरा 7 लेवल का है गाइज, कोई ज़्यादा लेवल का है नहीं, और डॉज मेरा 6 लेवल का था। फ्यूचर टेक्नो की सुपर वेपन को तो सही रखा गया, बट प्राइमरी वेपन को बहुत ज़्यादा घटा दिया गया है गाइज, 426 से मेरा 256 का डैमेज हो चुका है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ गाइज, इसकी पावर को बहुत ज़्यादा घटाया गया है, क्यों, क्योंकि डॉज के सामने ये बहुत ही बड़ा, मतलब फ्यूचर टेक्नो ऐसा हीरो बन गया था जो कि लग रहा था कि जैसे सीजन 3 में यही हीरो लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका था गाइज, इसलिए इस हीरो को क्या किया गया, थोड़ा सा डाउन किया गया इसके पावर अप को, ताकि मतलब कि लोग जो है मतलब डॉज पे ही ध्यान दें, क्योंकि डॉज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था गाइज, सब फ्यूचर टेक्नो खेल रहे थे, इसलिए डॉज से ही खेलना पसंद करें, इसलिए यहाँ पे कम किया गया है इसके पावर को, गेम में एक बैलेंस बनाने के लिए। आप लोग समझ रहे हो गाइज मैंने जो आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो आई होप। चलो भाई फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 फ्यूचर टेक्नो हो गए थे गाइज, और वीर वाला बंदा ही फ्यूचर टेक्नो ले लेता है तो भाई फ्यूचर टेक्नो की स्क्वाड बन जाती है अपनी, बट उस बंदे ने लिया नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हम लोग टीम में 3 फ्यूचर टेक्नो एक वीर है भाई, देखते हैं भाई अपनी टीम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और आई होप हम लोग जीत सकते हो। ओ भाई एक बंदे के पास स्किन वाला भी है भाई, ये वाला आप लोग साइबर टेक्नो का भी स्किन जो आप लोग देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, और अभी तो फिलहाल भाई सबके पास 8-8 लेवल का, बट मेरे पास 7 लेवल है, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्लैटिनम ग्रेड मिलते नहीं है। एक सेकंड, अभी रुक जाओ, पकौड़े तुम्हारी भैंस की, अभी सबको मारूंगा, एक सेकंड, डॉन, रुक जा भाई। वैसे मैं आप लोग बता देता हूँ गाइज कि मैं लाइव करना भी स्टार्ट कर दूँ, अगर आप लोग लाइव में मेरे अभी तक नहीं आते हो तो आ जाया करो गाइज, क्योंकि लाइव करता हूँ तो 1 सेकंड किल निकल गया गाइज, बट कोई बात नहीं, बट लाइव करता हूँ गाइज, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है साथ में खेलने में, तो आप लोग प्लीज़ लाइव के अंदर आ जाया करो। और मैं अगर जाइंट हो भाई अपना सुपर वेपन चलाता हूँ तो मेरा सुपर वेपन का जो है मतलब कि डैमेज जो है घट जाता है, इसीलिए मैं सुपर वेपन नहीं चलाता हूँ जाइंट हो के, ये आप लोग नोटिस करना गाइज, या मैं फैक्ट्स बता देता हूँ आप लोगों को जो कि आप लोग पता होने चाहिए। 1 किल भी नहीं मिल रहा है यार, क्या चल रहा है यार, किस्मत ही आज की खराब। भाई सब मेरे पे ही आ जाओ, नहीं सब मेरे पे ही आ जाओ, हाँ मारो आओ मेरे बेस तक आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे बंदे मिलके मेरे को ही मारे भाई, 3 के 3 बंदे उधर साइड जा रही में था, पर किसी ने उसको नहीं मारा जाके, सारे बंदे पहले मेरे को मारने आए, वाह मतलब कि देख के भाई गुस्सा आ गया। बात है गाइस मैच भी ओवर हो गया और 1 भी किल नहीं मिला था यहाँ पे मेरे को, और चारों में हम लोग फ्यूचर टेक्नो की टीम थे, फिर वाले बंदे ने भी साइबर टेक्नो वाला फ्यूचर टेक्नो स्किन ले लिया था भाई, मैं बोलूँ। चलो भाई कोई बात नहीं, टीम रमन लेके चलते गाइस, हीरो कोई ख़राब नहीं है गाइस, ये वाला हीरो ख़राब नहीं है, इससे मेरा किल नहीं निकल पाया वो कहो, मतलब कि मेरे पास स्किल उतना है नहीं फ्यूचर टेक्नो से खेलने का, वो अलग बात है मैं नूब हूँ, बट यहाँ पे चलो रंबल वाले मैप को ही खेलते गाइस, स्क्वाड अप करके खेलने वाला हूँ मैं, क्योंकि टीम के साथ खेलेगा तो माइनस नहीं लेगा। और बाय द वे तुम्हारा भाई जो भाई अभी 49 रैंक पे है, ठीक है, टॉप 49 रैंक पे, यानी कि अभी मेरे 750 जेम्स जो है गारंटीड हो गया, और मीम का स्क्रेट वगैरह सब कुछ गारंटीड है अभी तुम्हारे भाई का, ठीक है। और तुम्हारे भाई के साथ तुमको पुश करना है भाई तो आप लोग आ सकते हो, मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपने नीचे UID को, मैं आप लोग लाइव प्रूफ रिक्वेस्ट भेजूंगा अगली वीडियो के अंदर। और एक और बात गाइस कि आप लोग अपना नाम के अगर आगे NS लगा लोगे तो मैं आप लोग परमानेंट मेंबर बना लूंगा, मतलब कि अपने टीम का परमानेंट मेंबर बना लूंगा और आपके साथ हमेशा रैंक पुश करूंगा, तो अपने नाम के आगे भाई निकाल लो मतलब कि लगा लो NS, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जो बंदे आ रहे भाई सबको ले लेते हैं, 5 बंदे हो गए यार, अरे शिट यार क्या हो गया, सीन यहाँ पे गलत हो गया गाइस, मेरे को लगा यहाँ पे 4 बंदे, क्योंकि एक के पीछे एक बंदे फ्यूचर टेक्नो खड़े थे जिस वजह से मेरे को पता नहीं चला। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैच को स्टार्ट कर देते गाइस, देखते क्या होता है, बस खाली मैं ओपोनेंट में नहीं चल जाऊँ भाई, वरना तो भाई दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई देखते क्या होता है, लेट्स सी गाइस क्या होने वाला है। तो भाई अभी तो मैच स्टार्ट हो गया है, अभी हो रहा है भाई मैच स्टार्ट होने, तो भाई 3 फ्यूचर टेक्नो सामने चल गए, वही सीन हुआ है जो कि मैं नहीं चाहता था गाइस,
तीन फ्यूचर टेक्नो सामने चल गए हैं, मैं इधर आ गया हूँ गाइस। मेरे टीम से मैं ही बिछड़ चुका हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ बहुत ही गलत सीन हो गया है। कोशिश करेंगे भाई, कोशिश करने क्या रहता है, कोशिश करेंगे अपन सब जीतने का, हो सके तो जीत जाएंगे। तो फिर अरे अरे भाई, तू पीछे तो कहाँ से आ रहा भाई? भाई भाई मेरे को दोनों तरफ से बम भी आगे मेरे को ही लग रहा है यार, यार। अरे मेरा क्लाउड स्ट्राइक जब तक आया तब तक मैं ही मर गया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे अपनी टीम जो है भाई ठीक ठाक खेल रही है, जिस वजह से अभी हम लोग थोड़ा सा 10 पॉइंट से फिर भी लीड में पीछे हैं। तो भाई मेरे को भी थोड़ा प्रो गेम प्ले दिखाना पड़ेगा और अपनी टीम को ही हराना पड़ेगा, ठीक है। अभी अरे 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 रुक जा, मेरे को ही मार दिया यार, चारों तरफ से बंदे घेर के मार रहे हैं यार, क्या ही करूँ मैं। मेरे को अपने टीम के साथ रहना पड़ेगा गाइस और सामने वाले बंदों को अच्छा से ओपोनेंट करके मारना पड़ेगा। एक सेकंड पकौड़ा मार लिया, हीलिंग मार लिया तेरी भी, मेरे को टॉच करके मारना पड़ेगा गाइस, और मैं खुद भी मर गया। मैं बहुत ही ज़्यादा दोनों बंदों को डैमेज देके आया हूँ गाइस, बट क्या कर सकते गाइस, तो मर जा रहा हूँ, ठीक है। निकलना पड़ेगा। अरे यार मार दिया यार, हम लोग 50 पॉइंट से लीड में नहीं है गाइस, 50 पॉइंट से लीड में पीछे हैं। आई मीन से दैट सेंस पड़ेगी तेरे को तो बेटा, मार के ही जाऊंगा। अरे एक सेकंड रुको भाई, मेरे को डैमेज ही नहीं पड़ता था। देख लो भाई, 600 बंदा एचपी पे था बंदा, फिर भी नहीं मिला, क्या ही सीन है भाई। मेरा लास्ट चांस है भाई, इसके बाद मैं मतलब कि मेरा पांचों लाइफ खत्म होने वाला है भाई। देखते हैं हम लोग मैच को क्या जीत पाते हैं या फिर नहीं। यहाँ पे हील तो पहले कर लेता हूँ भाई, कृष्णा हीयर करके ये बनता है भाई, छोड़ दे यार, मैं जीत गया वीडियो बन गया, समझ ले अपने बंदे ने इसको मेड कर दिया। ए भाई 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 रुक जाता यार, कसम से भाई, मैं छोड़ो भाई, हम लोग मैच को यहाँ पे हार चुके हैं गाइस। यहाँ पे फ्यूचर टेक्नो के साथ मैंने मैच को कर लिया, मतलब हार गया हूँ मैं, और इस वजह से हुआ है गाइस क्योंकि मेरी टीम जो है गाइस ओपोनेंट में चल गई थी, इस वजह से मैं यहाँ पे हारा हूँ। बट आप लोग क्या लगता है गाइस, कौन सा हीरो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा हीरो के साथ हम लोग को खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से गाइस डॉज के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि डॉज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हीरो है अभी के टाइम पे, क्योंकि सीजन 3 में उसी को लॉन्च किया गया। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, और हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। कोड को मेरे जरूर एंटर कर देना NSCS, और डिस्कॉर्ड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो फटाफट से। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।